So now we see every day COVID cases have increased so much, and there are people dying every day. People getting sad and demotivated due to this pandemic. So what do you have to say specifically about COVID and mental health as such? Do you have anything to say? Please give your views on that. Definitely. COVID as such, we know it is, we've got a lot of symptoms. COVID mein hum log dekhte hain ki humko sardi ho rahi hai, bukhar ho rahi hai, tastelessness and breathlessness. And apart from that, there are new symptoms being added on and nayi bimariyan aa rahi hain. बट ये सब चीज़ को देखने के अगर नज़रिया हम चेंज करें और हमारा मन अगर स्ट्रांग रहे तो उस समय में इन सब बीमारी के साथ डील करना भी बहुत आसान हो जाता है. वी हैव सीन दैट मोस्टली खाली हम लोग फिजिकल इश्यूज देखते हैं या जो सराउंडिंग में देख रहे हैं कि इस तरह की बीमारी होती है, बट एट द सेम टाइम पीपल आर अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ मोर मेंटल इश्यूज. आई हैव सीन पर्सनली विद माई क्लाइंट्स कि कैसे लोग जो कोविड से अंडरगो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको कैसे ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो रहा है. अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस हो रहे हैं. पीपल आर बीइंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट क्लीनलीनेस और दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड. दे आर फियरिंग. देयर इज लॉट्स ऑफ एंजाइटी एंड फियर इन आवर सराउंडिंग्स. सो वी हैव टू सी कि कैसे इस तरह को की चीज़ों को डील किया जाए, बिकॉज ये भी एक तरह की बीमारी ही बीमारी का रूप ले सकती है. So basically, you are doing. So what basically are you doing to help people cope with this and help them come out of this difficult situation? Can you explain your workings and everything? Yes. So अभी जो what we are doing right now, खाली COVID के लिए I am providing them counseling session. That is a brief intervention program mostly, and healing sessions. इससे क्या होता है कि उनको जो उनकी बीमारियां हैं उनके साथ लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो मिलती है. ओके 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 दैट इज ग्रेट. सो दैट मींस आई मस्ट बी अ मेंटल पेशेंट टू बी ट्रीटेड बाय यू, इज दैट व्हाट यू मीन? नो नो नो, यू डोंट नीड टू बी अ मेंटल पेशेंट और वी डोंट से दैट. देयर इज नो सच थिंग एज अ मेंटल पेशेंट बेसिकली. सो क्या होता है कि अगर आप कोई स्ट्रेस अंडरगो कर रहे हो, आप कोई थॉट्स है, आपके बहुत सारे थॉट्स आने लगे हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो क्यों हो रहा है वो आपके साथ में, कोई चीज़ हो रहा है तो आप कैसे उसे डील करें. आप हम सबके पास एक कैपेबिलिटी है, ये पोटेंशियल है कि हम हर तरह की चीज़ों को देख सकते हैं या गुड थॉट्स एंड एडवाइसेस ये सब तो हम सबके पास ही है. बट कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब उनको देखना, उनको समझना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. एंड इट्स ईजियर व्हेन वी टॉक टू समवन एंड वी नो दैट द समवन हु वी आर टॉकिंग टू वो हमें जज नहीं करेंगे, वो हमारे पर्सपेक्टिव से हमें देख पाएंगे और हमारी जितनी भी डिटेल्स है उन्हें कॉन्फिडेंशियल रहेंगे. एंड सच पीपल आर नोन एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. ओके सो कैन यू लाइक आप मुझे अपना कोई रिसेंट पास्ट में कोई जो आपने हीलिंग किया हो या कुछ भी लाइक अपना टास्क परफॉर्म किया हो, सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इट? यस, लाइक रिसेंटली आई हैव डेल्ट विद द कोविड से रिलेटेड. सिंस हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी से रिलेटेड आपसे बात करती हूं कि एक देयर वाज अ क्लाइंट रिसेंटली जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस अंडरगो कर रहा था बिकॉज़ ही वाज इन हॉस्पिटल एंड बहुत सारी चीज़ें हो रहा था एंड वो बात भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसे कन्वर्सेशन करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो गई थी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनसे बातें की ओवर व्हाट्सएप एंड उनको समझा, उन्हें समझाया उनको प्रॉब्लम्स को समझिए, तो उससे उसे काफ़ी स्ट्रेंथ मिला. जो वो अकेलापन फील कर रहा था वो उसे लगा कि नहीं, मैं ये किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ एंड this person will understand. And over the time uske kaafi aur issues jo chal rahe the life mein, we talked about that, we went into the depth ki kahan se originate ho raha hai, what is the lookout. So mostly hum log ye dekhte hain ya pre sessions ye dekhte hain ki aapki problem kahan se origin ho rahi hai and aapne usko kis tarah se perceive karna shuru kiya tha and how you can work. Okay, that is great to know. So
Recently, I have also recovered from COVID, and trust me, guys, this guy's mental situation was terrible. But I had this golden opportunity to contact Vidhi, and honestly speaking, she helped me a lot to cope with this difficult times. Honestly, though not fully getting rid of the stress, this definitely ensures that there is someone whom you could talk to, you could share your feelings, and that you can have someone with whom you could talk what really matters the most. And trust me, guys, this is effective in the best possible way. And right now she was giving the example, it is none other than me. एंड अब तो मुझे लगने लगा है कि आप एक जादूगर हो क्या, तांत्रिक वगैरह की सर्विसेज भी दिया लेते हो क्या, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। नो, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। एंड कोई ओके, आई आल्सो प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेट मी टेल यू दैट आई एम एन इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड आई एम इनटू ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिसेस एज वेल, बट इट इज नो हिप्नोथेरेपी मैजिकल साइंस और I don't know, there are such other stereotypical names that we've received, but ऐसा कुछ नहीं, कोई जादू नहीं होता है, ये सब हमारे मन की सोच है, और there is a science behind healings also. Once you understand, you will get to know how it works. So there is a lot more to learn about it before judging it. Okay. Thank you so much for your kind cooperation and so that was amazing to learn so many new things and so many tantric vagera and everything from you, though not taking in the literal sense, but yeah, that is definitely a lot to learn. And if you guys want to learn a lot about this, there will be a lot of upcoming sessions for this. So guys, yeah, stay tuned and be there with us.